아차차. 제디 가라. 아차 아차 아차. 시간 시간. लगता है गोदाम में चोर घुस गए. चोर? हाँ. जल्दी 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 करो यार. खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? चलो 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 चलो. जुलाब लगा है. डाल के देखता हूँ. मैं तेरे लिए मर छोड़ूंगा नहीं. अबे गोचू, क्या तेरा मुंह खुला है? हाँ, बंद 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 दो. तकलीफ हो रही है? रामजादे, तुम लोगों को इसलिए भेजा था कि मार खा के आ जाओ. क्या बताऊं सरकार, वो चार चार थे. ऐसी धुलाई की कनानी याद आ गई. बाबूलाल तो रात से ही गायब है. अगर हम पुलिस के हाथों आ जाते तो आपकी पोल खुल जाती. शेखर भाई जी, दिलीप मिठू को लेकर डॉक्टर साहब के पास गए हो? ठीक है, जब तक वो नहीं आते मैं रुकता तुम्हारे साथ. हेलो, कौन? माला जी, माफ कीजिएगा, मैंने आपको इतनी रात को तकलीफ दी. मैं आपको ये बताना चाहता था कि आपकी जो नौकरानी है, दरअसल मैं आपकी नौकरानी नहीं बल्कि आपके हस्बैंड की प्रेमिका है. नहीं नहीं. और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो जाकर देख लीजिए, आपके हस्बैंड इस वक्त बेडरूम में नहीं बल्कि नीचे अपनी प्रेमिका के साथ प्रेम बंधन में बंधे हुए हैं. तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, आखिर मैं भी तो हूँ तुम्हारे साथ. क्या मुझे भरोसा नहीं? तेरे पे तो मने अपने आप से भी ज्यादा भरोसा है. पर माला, उसकी चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा. मैं आपको ये बताना चाहता था कि आपकी जो नौकरानी है, दरअसल मैं आपकी नौकरानी नहीं बल्कि आपके हस्बैंड की प्रेमिका है. तारे पे तो मने अपने आप से भी ज्यादा भरोसा है. पर माना, उसकी चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा. इस तरह बटन करके इसके बाद. शेखर कहाँ है? ये वो तो बाहर गए. तुम लोग क्या क्या कर रहे हो? ठीक काम कर रहे हैं. आज से तुम लोगों को यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं.
मगर हमने तो ऐसा कुछ Shut up. Get out. क्या हुआ बेटी, क्या बात है? क्या बताऊं अंकल, ये सब लोग मिले हुए हैं. अच्छा हुआ तुम आ गए, कहाँ चले गए थे? मैं जरा माँ को चिट्ठी पोस्ट करने गया था. सुनो सुनो, माला ने दिलीप कैर को घर से निकाल दिया. क्या? उसे पता चल गया कि वो नौकर नहीं तुम्हारे दोस्त है. कहाँ जा रहे हो? मैं उन लोगों से मिलने जा रहा हूँ. नहीं नहीं सुनो, माला अपने दोस्तों की पार्टी में सोशल क्लब गई है. उस क्लब का माहौल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं. और फिर दीपक भी वहां है, उसे तो जानते हो, माला जिद्दी है. मैं कुछ समझाने जाऊंगा तो उल्टा ही समझेगी, इसलिए तुम वहां जाकर उस पर नजर रखो. क्या समझते हैं आपने आपको? मैंने उसके लिए क्या नहीं किया? मेरे घर में आकर मुझे से धोखा? मैं तो कहता हूँ ठीक ही हुआ मिस माला कि सही वक्त पर आपको उसकी असलियत का पता लग गया. आप फिक्र क्यों करती हैं? हम लोग जो हैं आपके साथ. एक्सक्यूज मी, मैं भी आता हूँ. मौका अच्छा है, ये आबे हयात पिला दो, माला हमारे पूरे काबू में आ जाएगी. और फिर जिस कागज पर चाहो दस्तखत करा सकते हो. तुम सिर्फ दस्तखत की बात कर रही हो, आज तो मैं माला को ही अपने काबू में कर लूंगा. What? ओहो, समझने की कोशिश करो, ये तो हमारी आपस की अंडरस्टैंडिंग है. लीजिए. थैंक यू. I have the pleasure of dancing with you. Mm-hmm. Dance? Huh. Thank you. इसलिए कि यहाँ तुम्हारे और मेरे सिवाय कोई नहीं. बहुत दिनों से तुम्हारे करीब आने की मेरी ख्वाहिश थी. आओ मेरे सीने से लग जाओ. ये क्या बकवास कर रहे हो? छोड़ दो. अब तो ये हाथ सारी जिंदगी नहीं छूटेगा डार्लिंग. आओ. नहीं, मेरी बात मान जा डार्लिंग. कम ऑन मिस माला माथर. Ah!
आपने आजादी और जिद का नतीजा? शरीफ घराने की औरत किसी जगह होटल बाजार या नाइट क्लब नहीं बल्कि घर होता है। शट अप! मैं पूछती हूँ आखिर तुम हो कौन? मेरी इंसल्ट करने का तुम्हें कोई हक नहीं। मैंने तुम्हारी कोई इंसल्ट नहीं की है बल्कि आदमी और औरत में जो फर्क है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आदमी लाखों की भीड़ में रहकर भी अपनी इज्जत को बचा सकता है लेकिन औरत अपने आबरू के लिए अकेले में भी बेसहारा है। आपकी खुशियां आपकी इज्जत आपको मुबारक हो मेन साहब। आज मैं आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए जा रहा हूं। ये लीजिए। शाबाश बेटा, मैं बहुत खुश हूं। तुमने हमारे लिए जो भी किया है उसका मुझे बहुत फख्र है। लेकिन एक बात है, दिलीप का टेलीफोन आया था, मिठुन की तबीयत खराब है, वो अस्पताल में है। क्या? फिक्र मत करो बेटा, मैंने उसके इलाज के सारा बंदोबस्त कर दिया है। क्या हुआ चंदा? पता चला मीठू की तबीयत ज्यादा खराब है। हाँ, उन्हें सांस की तकलीफ हो रही थी, डॉक्टर बोले अस्पताल ले जाओ। तो मेरे बच्चे की दवा नहीं आई अभी तक? जी आती होगी, दिलीप लाने गए थे। दवा जल्दी मंगाइए, इंजेक्शन की सख्त जरूरत है।